एवरी एवरीवन वेलकम इन टीम दीवाना आई एस एंड गेट माई सेल्फ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड आई सिक्योर्ड ए आर फोर सेवेंटी एट इन गेट टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ए आर ट्वेंटी नाइन इन गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी विद एम टेक सो मेरा एम टेक परसिंग था उसके साथ में ही मैंने दीवाना आई एस एंड गेट चैनल पर टीचिंग भी की थी और अदर एक्टिविटीज़ एंड सब कुछ एक साथ मेंशन करते हुए मैंने गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी में अपनी रैंक इंप्रूव की और दिस ईयर आई गेट ट्वेंटी नाइन रैंक ओके सो शुरू करते हैं आई सी इंजन हमारा आई सी इंजन में जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा देन उसके बाद आपको व्हाट्सअप uh, ग्रुप के माध्यम से डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे मैं आपको डेली फाइव टू तो टेन क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि सिविल सर्विसेज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन सभी क्यूशन्स को मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा ओके okay? एंड देन आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा उसकी प्रैक्टिस करिएगा देन जब हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको इफेक्टिवली रिवाइज़ करें एंड देन जब हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ होते हैं तो फिर जैसा कि नवीन यादव सर आजकल कर रहे हैं वो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तो उसमें आपको आईसी इंजन का एक टेस्ट भी मिलेगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को इवल्यूट कीजिएगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है आप उससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा आईसी इंजन है उसके जनरली थ्री टू फोर मार्क्स कंटेन करते हैं अगर हम गेट के पेपर में देखें और ई में इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है कभी कभी फिफ्टीन टू सिक्सटीन मार्क्स कभी कभी ट्वेंटी मार्क्स भी आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और काफ़ी ईजी है आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए एंड कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए अगर आप उनको पता कर रखते हैं तो श्योरली आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके इंटरव्यू लेवल तक प्रिपेयर हो जाएंगे ओके तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आईसी इंजन का हमारा पहला लेक्चर्स जो कि है मेनली डिपेंड ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट तो इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो है साइकिल ओके तो साइकिल हमारा होता क्या है वेन ए सिस्टम आफ्टर एंडरिंग ए नंबर ऑफ प्रोसेस इज़ एबल टू अटैंड इट्स ओरिजिनल कंडीशन इट इज़ देन टू हैव ए कम्प्लीट साइकिल ओके तो इसका जो मेन है वो ये है कि जब कोई सिस्टम है वो नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरता है ओके एंड देन अगर वो अपनी ओरिजनल कंडीशंस में वापस आ जाता है नंबर ऑफ प्रोसेस को कम्प्लीट करने के बाद तो हमारा एक कम्प्लीट साइकिल प्रिपेयर होता है ओके okay? तो इफ़ ए साइकिल इज नोट कंप्लीटेड देन इज़ देन कंटीन्यूस वर्क विल नॉट बी ऑप्टेन ओके तो अगर हमारा साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा तो हमें कंटिन्यूस वर्क नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में हमारा जो बी क्रैंक साफ्ट है और कनेक्टिंग रोड है और जो पिस्टन है पिस्टन से हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशंस आता है एंड वो क्रैंक साफ्ट से हमारा रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है ओके तो अगर हमें कंटिनसली फोर स्ट्रोक इंजन में नहीं मिलेंगे या फिर अगर टू स्ट्रोक इंजन है तो टू स्ट्रोक नहीं मिलेंगे तो क्या होगा हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा और जब साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो हमें कंटिन्यूस वर्क नहीं मिलेगा यानी कि जो हमें वर्क मिलेगा वो पार्ट में मिलेगा ओके तो आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जो आपको पार्ट में वर्क दे रही है यानी कि एक बार आपकी जो गाड़ी है जब आप इंजन को ऑपरेट करने लगते हैं तो एक बार वो काफ़ी तेज़ चलती है क्योंकि उसको वर्क मिलता है एंड देन वर्क उसको कंटिन्यूस नहीं मिलता है वर्क इसका स्टॉप हो जाता है तो फिर वो वापस जरक लेती है तो कंटिन्यूसली इस तरीके की गाड़ी में आप बैठना पसंद नहीं करेंगे तो हमारी डिज़ायर होती है हक कि हम हमेशा कंटीन्यूस वर्क गेन करें चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर हो चाहे वो हमारे जो व्हीकल्स है उनके अंदर हो तो हम ये ही रिक्वायरमेंट करते हैं ओके काफ़ी ज़्यादा जगह हमें कंटीन्यूस वर्क की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है लेकिन जनरली हम कंटीन्यूस वर्क की रिक्वायर्ड करते हैं और उसके लिए हमें कंप्लीट साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है ओके अब हम जो इम्पोर्टेंट देखेंगे कि जो आईसी इंजन में हमारा इंटरनल कम्बसन इंजन है उसमें जो साइकिल है उसमें जनरली चार प्रोसेस तो आपके होते ही हैं जैसे कि हीट एडिशंस हीट रिजेक्शंस वर्क डन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशंस ओके तो ये चार आपके प्रोसेस जनरली होते हैं और इनका जो ऑर्डर होता है वो आपका अगर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो आपका सबसे पहले हीट एडिशन होगा एंड उस हीट के एडिशन होने के कारण हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क मिलेगा यानी एक्सपेंशन जब होगा हमें वर्क मिलेगा एंड देन हमारी जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी उसके बाद हमें वापस फ्यूल को कंप्रेस करना पड़ेगा एंड ये साइकिल है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा अगर हम वर्क अब्ज़ॉर्बिंग डिवाइस की बात करें जैसे कि रेफ्रिजरेटर वग़ैरह एंड जो अदर वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस है उनमें जो प्रोसेस होता है वो सम हाउ डिफरेंट होता है ओके तो इससे हमने साइकिल के बारे में सीखा है अब हम सीखेंगे आइडियल साइकिल ओके सो आइडियल साइकिल जो है आइडियल साइकिल इज द साइकिल इन विच द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन टेक पैलेस आइसेंट्रोपिकली आइसेंट्रोपिकली मीन्स रिवर्सिबल एडिया ओके तो जो आइडियल साइकिल हमारा होता है वो साइकिल होते हैं जिनमें जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है वो आइसेंट्रोपिकली ओके तो आइसेंट्रोपिकली मीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा हो तब कोई भी लोसेस नहीं हो रहे हैं ओके तो ये क्वेश्चंस बन सकता है कि आइडियल साइकिल जो साइकिल होता है वो कैसा साइकिल होता है और उसमें मतलब आपको डिफरेंट ऑप्शन बना के दिए जा सकते हैं तो आपको याद रखना है कि एन आइडियल साइकिल इज द साइकिल इन विच द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन टेक पैलेस आइसेंट्रोपिकली ओके रिवर्सिबल एडियाबेटिक यानी कि कोई भी हीट का लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ओके तो ये आपको याद रखना है आइडियल साइकिल के बारे में एंड जो मैंने आपको हाईलाइट करके पॉइंट दिए हुए हैं उनको आपको याद रखना है और वो आपका एज ए शॉर्ट नोट भी काम करेंगे ओके okay? तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है अब हम देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस ओके तो व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए पाथ इन सच ए मेनर देन इट इज़ एबल टू अटेन द ओरिजिनल कंडीशन व्हेन फॉलोइंग द सेम पाथ इन द रिवर्स डायरेक्शन दैन इट इज

again initial state then it is called reversible process okay and on the other hand when the system is not able to attain its original condition when following the reverse path then it's said to have undergone a irre irreversible process okay so agarham जो सिस्टम है वो वापस ओरिजिनल स्टेट या फिर जो इनिशियल स्टेट है ओरिजिनल कंडीशन है उसको वापस गेन नहीं कर पाता है देन जो हमारा सिस्टम है वो आपका इरिवर्सिबल होगा अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं ओके okay? तो होपफुली आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ओके okay? देन हम मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा एंड उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बनने के चांसेस हो जाते हैं ओके वेन द सिस्टम इज़ एबल टू अटेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन अलोंग डिफरेंट पाथ देन द प्रोसेस इज स्टिल इरिवर्सिबल अब ये आपको याद रखना है कि हो सकता है कि जो ओरिजिनल कंडीशन है वो किसी डिफरेंट पाथ से भी आ सकती है ओके okay? आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप एक सिटी लाइक जयपुर से ले दिल्ली तक ट्रेवल करते हैं तो एक सेम रोड है अगर आप उसी रोड से जाते हैं और उसी रोड से वापस उसी जयपुर पे आते हैं तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा लेकिन अगर आप इनिशियल कंडीशन जैसे आप जयपुर जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोड का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप जयपुर से दिल्ली किसी डिफरेंट हाईवे से जाते हैं एंड देन अगेन किसी डिफरेंट हाईवे से जाते हैं और आप वापस आते वक्त किन्नी और डिफरेंट हाईवे का यूज़ करते हैं तो उस केसेस में इनिशियल कंडीशन में आना ही कंपलसरी नहीं है अगर केवल इनिशियल कंडीशन में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा अगर वो इनिशियल कंडीशन में आने के साथ साथ अपना जो पाथ है जिस पाथ से वो इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में गया है उसी सेम पाथ से अगर वो रिटर्न करता है देन वो आपका क्या होगा इरिवर्सिबल प्रो देन वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा अदरवाइज वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ओके द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इज विदन एंड विद फ्रिक्शन ओके तो ये जो डिफरेंस होता है रिवर्सिबल और एन इिवर्सिबल प्रोसेस में इनका जो डिफरेंस होगा वो विदाउट और विद फ्रिक्शन आप समझ सकते हैं क्योंकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो विदाउट फ्रिक्शन होगा क्योंकि अगर आप ऐसा देखते हैं कि अगर आपका किसी एक रूट में आप जा रहे हैं और उस प्रोसेस के अंदर आपका फिक्शन के कारण लॉसेज हो जाते हैं तो फिक्शन के कारण लॉसेज होने के कारण क्या होगा कि जो एनर्जी है वो आपकी चली गई है और अगर आप उस प्रोसेस उस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करते हैं तो जो फिक्शन के कारण लॉसेस होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा यानी कि जो आपकी एनर्जी फिक्शन के कारण लॉस हो चुकी है वो एनर्जी आपको वापस नहीं मिलेगी उस एनर्जी का आपको और ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा यानी कि जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे होंगे और विदाउट विद फिक्शन वाली कंडीशन होगी तो विद फिक्शन वाली कंडीशन में क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन में आपका अगेन फिक्शन में लॉसेज होंगे तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जिनमें फिक्शन होता है वो सब आपके इरिवर्सिबल होंगे क्योंकि फिक्शन के कारण आप जब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में मूव कर रहे होंगे तो आपके लॉसेज होंगे एंड जो आप रिवर्स पाथ में आएंगे तब अगेन आपके लॉसेज होंगे लेकिन अगर हम बात करें विदाउट फिक्शन की तो विदाउट फिक्शन के केसेज में क्या होगा कि जो आपके लॉसेज हैं वो फिक्शन के कारण नहीं होंगे तो जो आप सेम एनर्जी उस प्रोसेस में दे रहे हैं अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो सेम एनर्जी आपको मिल जाएगी तो इस उस कारण उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ थ्योरेटिकल यानी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो हमें प्रैक्टिकली दिखेगा ही नहीं क्योंकि आज तक ऐसा कोई सिस्टम बनाया हु हुआ ही नहीं है कि जिसमें आपको हंड्रेड परसेंट आपको एनर्जी की रिकवरी हो जाए यानी कि आप अगर इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में जाते हैं और फाइनल कंडीशन से इनिशियल कंडीशन में आते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम आपको दिखेगा ही नहीं जिसमें कुछ ना कुछ लॉसेस नहीं होते हो दैसवा ये जो फिनोमिना है वो आपका थियोरेटिकल फिनोमिना है ओके तो ये आपको अच्छे से माइंड में याद रखना है अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एक्चुअल प्रोसेस ओके तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो आपका एक्चुअल प्रोसेस होता है यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस आप प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी जगह देखते हैं ओके okay? तो ये सब आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान रखना है होपफुली आपने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा मैं जल्दी से जल्दी आईसी इंजन के सारे वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊंगा और कोशिश करेंगे लॉकडाउन में हम इसको फिनिश कर दें तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो साथ में आप इनको नोट करते जाइए अपनी एक कॉपी लीजिए उस कॉपी में जो भी मैं इम्पोर्टेंट लाइन्स बोल रहा हूँ अपने अपने जो है अपने वे में उसको लिखिए तो उससे क्या होगा कि आप अगर इस सेम पीडीएफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप इस सेम पीडीएफ को अपने नोट्स में अगर मेंशन करते हैं तो श्योरली आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपका अटैचमेंट भी ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ और जो मैं छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ उसको आप साइड में नोट डाउन कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि इन केस जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उस केस में आपको उनका बेनिफिट मिलेगा ओके okay? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को आप ओपन करेंगे तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप्स में बना रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वहाँ से आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा ट्यूशन्स वगैरह मिलते रहेंगे रेगुलरली एंड जो लेक्चर्स है उनकी पी के स्क्रीन जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगी ओके okay? तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में Uh, keep study and do well